नेमीबाइन पाउचिस श्रेडिंग मशीन, मॉडल नंबर ISD 100 विद हॉपर। आप इस मशीन पे किसी भी तरह का जो पाउचिस है, चाहे पान मसाला हो, मसाले के पाउचिस हो, किसी भी टाइप का जो पाउचिस होगा, वो सारे पाउचिस हम इसमें इजीली श्रेड कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग साइज़ है 4 mm स्ट्रिप कट है। कंटिन्यू हम इसमें इस मशीन में श्रेड कर सकते हैं। एक बार में आप पाउचिस की डिपेंड की आपके पाउचिस किस टाइप में हैं, अगर आपको पाउचिस लूज़ है तो आप इसमें हॉपर लगा सकते हैं, और अगर लूज़ नहीं है, जैसे ये बंडल टाइप है, तो इसको खोल के हमें एक साथ 8-10 लड़ी हम लगा सकते हैं। इसमें मशीन 3 फेस में बना हुआ है, इसको हम कंटिन्यू चला सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके कटिंग साइज 4 mm है। इसमें अगर मटेरियल जो हम श्रेड कर रहे हैं वो, और जो श्रेड पेपर को अगर आपने अलग अलग करना है, तो आपको पीछे इस साइड में, बैक साइड में एक हमारे को डस्टबिन लगाना पड़ेगा, जाली वाला, जाली टाइप में। वो हम लोग नहीं बना के देते हैं, अगर किसी कस्टमर का अगर हमारे पास स्पेशल रिक्वेस्ट होता तो हम बनाते हैं। तो जाली है, उसमें डस्टबिन होने से ये होगा कि जो मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा, और जो आपका पाउचिस श्रेड करके जो उसके वेस्ट है वो ऊपर रह जाएगा। तो इसको अलग करने में किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कटिंग इसमें, ये मॉडल अभी जो है 4 mm का, इसके अंदर 4 mm, 8 mm, 12 mm, एज पर कस्टमर की जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग बना के दे सकते हैं। मशीन कंटिन्यू रनिंग मॉडल है, कार्बन लेस इसकी कटर है, 5 ईयर की इसकी कटर की वारंटी है। मशीन टोटल MS शीट के ऊपर बना हुए हैं। इसमें आप किसी भी तरह का जो पाउचिस है या PP है, जैसे ये अभी हम लोग इसमें सेलोफिन पेपर डाल रहे हैं, जो चमकीले पेपर होता है, PP की ही क्वालिटी में आता है ये, जो कि सबसे पतले पेपर है ये, और वो भी स्टिकर ग्लू लगे हुए हैं इसमें। हम लोग वो सारे ट्रायल इसमें कर रहे हैं कि PP के अंदर कोई भी आइटम हो, चाहे हो ग्लू शीट में हो, चाहे नॉर्मल पेपर में हो, वो सारे के सारे पेपर्स इसमें इजीली श्रेड हो सकता है। इसकी श्रेड कैपेसिटी है एज पर मटेरियल है। अगर हम मसालेस वगैरह के पाउचेस काटते हैं तो ये अप्रॉक्स 100 kg पर आवर का कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी जो कटिंग साइज है बहुत छोटा बनाया गया है 4 mm में। अगर हम इसकी कटिंग में जितना छोटा करेंगे, हमारा श्रेड कैपेसिटी कम हो जाएगा, और हम इसको अगर 8 mm या 12 mm करते हैं तो ये 150 kg तक पर आवर श्रेडिंग कैपेसिटी चला जाएगा। मशीन टोटल मेक इन इंडिया के अंदर बना है, किसी तरह का कोई इसमें बाहर का चीज़ हमने नहीं लगाया। कटर से लेके मोटर, गियर बॉक्स, इसमें सारे जो चीज़ें टोटल इंडियन आइटम यूज़ करा गया, और इसमें ऐसा कोई फंक्शनल हमने नहीं दिया है कि इसको चलाने के लिए किसी तरह का कोई हमें ट्रेनर चाहिए। मेक इन इंडिया मशीन है, और मशीन इजीली अगर किसी को 10 मिनट अगर हम लोग इसको डेमो कर देते हैं तो मशीन आराम से इसमें चला सकते हैं। 3 फेज मशीन है, कंटिन्यू आप चलाइए। इसके अंदर रिवर्स ऑप्शन है, इनकेस अगर किसी तरह का कोई मटेरियल अगर गलत चला गया या आपको उसको वापस श्रेड नहीं करना, वापस चाहिए, तो आप रिवर्स दबा सकते हैं। किसी तरह के इसके अंदर अगर कोई फायर वगैरह अगर या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें ऑटो कट का ऑप्शन हमने दिया है।